अब सबसे पहले सर्कल का सेंटर रेडियस फॉर्म x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां r ग्रेटर देन जीरो होना जरूरी है, नॉट इक्वल टू जीरो भी नहीं चलेगा और लेस देन जीरो तो हो ही नहीं सकता, सही है ना। तो कहीं पर अगर जैसे ये लिखा है तो इस सर्कल का रेडियस कितना है r के मॉड r, मॉड r क्या होना चाहिए क्योंकि r माइनस r का स्क्वायर भी तो r स्क्वायर होता है ना, और यूजुअली क्वेश्चन में r ग्रेटर देन जीरो दे देते हैं। तो दिस इज अ सर्कल जिसका सेंटर a कॉमा बी है और रेडियस r है। अब जब हमने इसको ओपन किया था तो आ गया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, सेंटर था माइनस जी कॉमा माइनस एफ। अगर यहां वन और वन लिखा है तो आधे का नेगेटिव आधे का नेगेटिव, और रेडियस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस सी। तो यहां से हमें समझ में आ जाता है कि सर्कल रियल सर्कल कब होगा, जब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर सी से बड़ा होगा तो वो एक रियल सर्कल है। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू सी तो एक पॉइंट हो जाएगा, वो पॉइंट सर्कल नहीं बोलना, पॉइंट हो जाएगा, सर्कल नहीं हमारे लिए, वो एक पॉइंट। और जब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर लेस देन सी होगा देन इट्स एन इमेजिनरी लोकस, मतलब दो नो सच लोकस एग्जिस्ट, ऐसा कोई पॉइंट घूम ही नहीं सकता कि अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर लेस देन सी हो जाए। एक पॉइंट की पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल कहां हो सकता है, अंदर बाहर या उस पर, तो हमने क्या देखा था पावर, तो हमने टर्म डिफाइन कर रखी है पावर, क्या टर्म डिफाइन कर रखी है एंड विच इज ऑप्टेंड बाय रिप्लेसिंग एक्स बाय एक्स वन एंड वाई बाय, है ना, ऑन सारी टर्म्स को जब एक तरफ ले आते हैं एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट जब प्लस वन होता है, तब क्या होता है प्लस वन होता है, तो उसको बोलते हैं पावर। तो पावर जैसे अगर हमारे पास सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो और पॉइंट एक्स वन वाई वन, देन द पावर इज एक्स वन स्क्वायर प्लस विच इज डिनोटेड बाय एस वन कमॉन इज द पावर, एंड इफ द सर्कल इज दिस व्हाट इज द पावर एक्स वन माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दिस इज द पावर। सो इफ पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल देन पावर इज पॉजिटिव एंड इफ इट इज इनसाइड द सर्कल देन पावर इज नेगेटिव एंड इफ इट ऑन द सर्कल दैट्स वन इज जीरो। जिस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर का फॉर्म का है ना, और जो ओरिजिन से पास होता है उसमें कॉन्स्टेंट टर्म जीरो होगी, जो ओरिजिन से पास होगा उसमें सी नहीं होगा, कोई भी कर्व जो ओरिजिन से पास होता है उसमें सी नहीं होता है। नाउ डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, अगर डायमीटर के एंड्स एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू है, तो अभी हमने कॉम्प्लेक्स में भी क्या था एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस y माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो, जिसका ऑल्टरनेट फॉर्म था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और y स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू y प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू जीरो, दिस इज द ऑल्टरनेट फॉर्म। इसी को ओपन कर देते हैं तो ये बन जाता है, तो एक क्वाड्रेटिक x में प्लस एक क्वाड्रेटिक y में, प्रोवाइडेड इनके कोएफिशिएंट्स वन हो तो आपको वो डायमेट्रिक फॉर्म का सर्कल दे देता है। नेक्स्ट, इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंटरसेप्ट, तो सर्कल है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और या फिर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसने एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट किया है, ट्वाइस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ट्वाइस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स इंटरसेप्ट पे बी आएगा, ये लेंथ चाहिए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए कॉमा बी, ये रेडियस आर है तो ये बी हुआ, तो पाइथागोरस से अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसका डबल, समझ रहे हो, और इससे लेते तो ट्वाइस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, सिंपल है।
यहां आर स्क्वायर हो गया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। आर स्क्वायर कितना होता है? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। और बी स्क्वायर सेंटर के एक्स कोऑर्डिनेट का वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर। तो एफ स्क्वायर कट गया, क्या बचा? जी स्क्वायर माइनस सी। और ये हो गया एक्स इंटरसेप्ट, है ना। वाई इंटरसेप्ट ट्वाइस अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी, और इसमें ट्वाइस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कम ऑन, क्लियर? एक्स एक्सिस को कब कट करेगा? जब जी स्क्वायर सी से बड़ा होगा। एक्स एक्सिस को टच कब करेगा? और कुछ भी नहीं करेगा, ना कट ना टच। तो जी स्क्वायर लेस देन सी। अकॉर्डिंगली इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, दोनों से कर सकते हो। अकॉर्डिंग कौन सा सर्कल दिया ही ध्यान रखना बस। ये दिया हो तो ये ले लेना, वो दिया हो तो ये ले लेना।